Hello students, how are you? I am Krishna Nayak, your chemistry teacher. In People of Element, we are discussing about the group 18 elements. And today we are going to discuss about the xenon oxide. Okay? तो जो xenon oxide है, उसमें हमें दो xenon oxide को study करना है. Okay? कौन कौन से दो xenon oxide को study करना है? तो we have to study about the xenon trioxide and xenon tetroxide. Okay? Tetroxide और and trioxide को study करना है. तो पहले उसकी preparation देखेंगे, फिर उसकी properties देखेंगे and last में उसके हम structure के बारे में study करेंगे. Okay? तो first see the preparation. Okay. पहले हम xenon trifluoride के preparation देख लेते हैं. Okay, actually हमने ये जो preparation है वो last previous lecture में देखी थी कि जब भी जिसमें हमने xenon fluoride के बारे में study किया तो xenon fluoride की जो property थी, okay, वही यहाँ पे उसकी क्या हो जाएगी, तो xenon trioxide की preparation हो जाएगी. Okay, तो हम by complete hydrolysis of xenon tetrafluoride and xenon hexafluoride XeO3 xenon trioxide can be prepared. Okay, can be prepared. तो यहाँ पे हमें क्या करना है, xenon tetrafluoride की क्या करनी है, हाइड्रोलिसिस. तो XeF4 plus H2O, you will get Xe plus XeO3 plus HF plus O2. ओके, यहाँ पे जो उसके कोफिशिएंट है आप याद रख लो या फिर खुद से भी बैलेंस कर सकते हो. 6XeF4 plus 12H2O, it gives 4Xe plus 2 xenon trioxide plus 24HF and plus 3O2. ओके, तो मेन हमारा यह ये है, उसका नाम क्या है, तो इट इज अवर xenon trioxide. ओके, तो xenon trioxide इस एक xenon fluoride में से फॉर्म हो सकता है. दूसरा वो फॉर्म हो सकता है फ्रॉम द xenon hexafluoride. ओके, उसका भी कंप्लीट हमें क्या करना है, तो हाइड्रोलिसिस. तो xenon hexafluoride प्लस 3H2O इट गिव्स xenon trioxide प्लस 6HF. ओके, तो ये दो मेथड से आप xenon trioxide को फॉर्म कर सकते हो. ओके, नाउ जो xenon tetroxide है उसकी प्रिपरेशन देख लेते हैं, वो कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है. तो XeO4 कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एक्शन ऑफ एनहाइड्रस H2SO4 on barium perxenate or sodium perxenate ओके, मतलब H2SO4 की अगर हम बेरियम परजेनेट या सोडियम परजेनेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं देन वी विल गेट XeO4. ओके, चलो तो उसकी प्रिपरेशन देख लेते हैं, उसके लिए रिएक्शन देख लेते हैं. हमारे पास है Ba2XeO6. ओके, ये हो गया हमारा बेरियम परजेनेट, उसकी रिएक्शन करवानी है हमें H2SO4 से. ओके, तो कॉन्सेंट्रेट H2SO4 वी विल यूज, उसके साथ रिएक्शन करने पे वी विल गेट xenon tetrafluoride प्लस BaSO4 प्लस H2O. ओके, बैलेंस कर देते हैं रिएक्शन को, देन वी विल गेट, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, उस वजह से यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा एंड वी विल गेट 2H2O. ओके,
चलो इसका नाम भी लिख लेते हैं यहाँ पे, Ba2XcO6 है, वो है हमारा बेरियम परसेनेट। ओके, और ये जो Xc(O)-2 आयन है उसे हम बोल सकते हैं परसेनेट आयन। ओके चलो, ये हमारा यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा ज़ेनॉन टेट्रोक्साइड। ओके, ज़ेनॉन टेट्रोक्साइड, तो फर्स्ट द बेरियम ज़ेनेट से फॉर्म होगा। दूसरा वो फॉर्म हो सकता है बाय, तो हमने बोला सोडियम परसेनेट। ओके, तो उसके लिए भी रिएक्शन लिख लेते हैं हम। सपोज वी हैविंग Na4 XcO6 plus 2H2SO4, इट गिव्स यहाँ पे सेम प्रोडक्ट फॉर्म होगी XcO4 plus 2Na2SO4 plus 2H2O। ओके, सिर्फ Ba की जगह हमें सोडियम करना है, तो ये हो जाएगा हमारा सोडियम पर ज़ेनेट। ओके, और ये हो जाएगा ज़ेनॉन टेट्राक्साइड। ओके अच्छा, तो ये प्रिपरेशन हो गई यहाँ पे किसकी, तो पहले देखिए हमने XeO3 की प्रिपरेशन बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ XeF4 एंड XeF6। उसके बाद हमने देखी XeO4 की प्रिपरेशन फ्रॉम द बेरियम परसेनेट एंड सोडियम परसेनेट। ओके नाउ उसके बाद हम देखते हैं उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। ओके तो आप कई बुक में ऐसा भी देखोगे कि ज़ेनॉन जो है सिर्फ एक ही ऑक्साइड फॉर्म करता है, ज़ेनॉन ट्राई ऑक्साइड। उसका रीजन ये है कि जो ज़ेनॉन टेट्रोक्साइड है वो क्या है, अनस्टेबल है, तो वो सिर्फ स्टेबल ऑक्साइड एक ही फॉर्म कर सकता है। इट कैन फॉर्म XeO4 बट वो कैसा है, अनस्टेबल है, जबकि ये कैसा है, तो स्टेबल है। ओके, तो मतलब स्टेबल ऑक्साइड एक ही फॉर्म करता है लेकिन दो ऑक्साइड फॉर्म कर सकता है, जिसमें से एक कैसा है, तो आपका अनस्टेबल है। तो पहली प्रॉपर्टी हम एक लेते हैं कि XeO3 इज वाइट सॉलिड। ओके, XeO3 इज वाइट सॉलिड। ओके, इट इज XeO3 की पहले प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, इट इज हाईली एक्सप्लोसिव। ओके, एंड ऑल्सो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, और ऑल्सो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये सारी प्रॉपर्टी किसकी है, तो XeO3 की है। वो वाइट सॉलिड है, हाईली एक्सप्लोसिव है। ओके, एंड क्या है, तो वो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अभी XeO3 की ही प्रॉपर्टी को कंटिन्यू करेंगे। XeO3 विथ वाटर फॉर्म्स ज़ेनिक एसिड। ओके, वो वाटर के साथ क्या फॉर्म करेगा, ज़ेनिक एसिड फॉर्म करेगा। रिएक्शन लिख लेते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास क्या है XeO3, उसकी रिएक्शन करनी है वाटर के साथ, देन वी विल गेट H2XeO4 एंड इट इज नोन एज अ ज़ेनिक एसिड। ओके, H2XeO4 इट इज नोन एज अ ज़ेनिक एसिड। उसी की XeO3 undergoes disproportionation reaction when dissolved in alkali। ओके, alkali के अंदर dissolve करने के से वो disproportionation reaction कैरिड आउट करेगा। ओके, किस तरह से, तो हमारे पास है ज़ेनॉन ट्राई ऑक्साइड, उसकी अल्कली के साथ रिएक्शन कराओ, मतलब OH- NaOH ले लो, KOH ले लो, कोई भी ले लो, देन यू विल गेट Xc+O2+XeO6-4+H2O। ओके, इफ यू बैलेंस इट, तो यहाँ पे दो है तो यहाँ पे दो लिख लेते हैं हम। ओके चलो, फिर हाइड्रोजन यहाँ पे दो है, ऑक्सीजन 3 to 6 और यहाँ पे एक 7 हो गया,
तो ये और नंबर है, यहाँ से इससे बैलेंस करने की ट्राई करें तो यहाँ पे हम कर देते हैं, दो तो लिखना ही पड़ेगा ओके, क्योंकि यहाँ पे भी है 6 2 8 और 1 9, तो इवन करने के लिए यहाँ पे दो, तो यहाँ पे 4 कर देते हैं। ऑक्सीजन काउंट कर लो, 3 2 6 और 4 10, यहाँ पे हो गया 2 6 8 और 2 8, ओके हो गया ना। डिसप्रोपोजिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है किसी भी कंपाउंड का डिफरेंट डिफरेंट थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, मतलब एक ही कंपाउंड का, एक ही एलिमेंट का रिडक्शन भी होगा और ऑक्सीडेशन भी होगा। चलो ज़ेनॉन और ट्राई ऑक्साइड में ज़ेनॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, तो +6, क्योंकि ऑक्सीजन का -2 है, तो 3 2 6 -6 को बैलेंस करने के लिए हो जाएगा +6। यहाँ पे वो नेटिव फॉर्म में है तो यहाँ पे हो जाएगा उसका 0। और यहाँ पे अगर आप काउंट करें को, तो 6 2 12, 12 में से 4 चले जाएंगे तो 8, मतलब +8। तो यू कैन सी दैट कि वो +6 में से 0 भी हो रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है, और +6 में से +8 हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो यहाँ पे ज़ेनॉन का ही रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है ओके। यहाँ पे क्या हो रहा है, उसका रिडक्शन हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है उसका, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब ज़ेनॉन का ही रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है, या फिर वो थ्री डिफरेंट डिफरेंट स्टेट एक ही रिएक्शन में गेन कर रहा है, मतलब वो क्या हो जाएगी, डिसप्रोपोजिनेशन रिएक्शन। कब देगा, तो अल्कली के साथ देगा ओके। तो XeO4 3 की हमने रिएक्शन देख ली, अब हम देखते हैं XeO4 के बारे में। तो XeO4 इज येलो सॉलिड, येलो सॉलिड एट लो टेम्परेचर, इट इज येलो सॉलिड एट लो टेम्परेचर ओके। उसकी दूसरी प्रॉपर्टी है, इट इज अनस्टेबल, अनस्टेबल गैस एट रूम टेम्परेचर ओके। रूम टेम्परेचर वो गैसीय स्टेट में है, और वो भी कैसा है, तो अनस्टेबल है, और जबकि लो टेम्परेचर पे येलो कलर का सॉलिड फॉर्म करेगा ओके। उसके अनस्टेबल वाले रिएक्शन देख लेते हैं, तो वो XeO4 जो है वो रूम टेम्परेचर पे ज़ेनॉन +2O2 में कन्वर्ट हो जाता है ओके। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ ज़ेनॉन ट्राईऑक्साइड और ज़ेनॉन टेट्रोक्साइड हो गए ओके। नाउ सी द स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ ज़ेनॉन ऑक्साइड, स्ट्रक्चर एंड सेप ओके। पहले हम ज़ेनॉन ट्राइऑक्साइड के सेप और स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद हम ज़ेनॉन टेट्रोक्साइड के बारे में बात करेंगे। चलो तो पहले हमें लिखना है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, कितने सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो यू कैन सी दैट हियर कि यहाँ पे 3 सराउंडिंग एटम है ओके, 3 सराउंडिंग एटम है, तो उसके सिग्मा बॉन्ड कितने हो जाएंगे, 3 ओके। आफ्टर दैट राइट अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ओके। यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके लिखने हैं, हमें सेंट्रल एटम के ही लिखने हैं, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम जो के है 8 ओके। आफ्टर दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंज्यूम्ड, कितने कंज्यूम्ड करेगा, तो यहाँ पे वो जो है तो डबल बॉन्ड फॉर्म करता है। देखो सिग्मा बॉन्ड 3 फॉर्म करेगा, लेकिन ऑक्सीजन है मतलब डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा ओके। ऑक्सीजन की तो 2 वैलेंसी होती है, ड्यू टू दैट उसके 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे, 3 पाई बॉन्ड होंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने यूज करेगा, कंज्यूम करेगा 6। कहाँ से आए, तो यहाँ पे मैं नीचे लिख लेती हूँ कि 3 सिग्मा बॉन्ड के +3 पाई बॉन्ड के, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन है और उसकी वैलेंसी क्या होती है, तो 2 होती है, मतलब वो ज़ेनॉन उसके साथ डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे, 3 पाई बॉन्ड, और टोटल नंबर ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम्ड हो जाएंगे ओके। चलो यहाँ पे आप लिख लो चार्ज, तो वो हो जाएगा 0 ओके। जैसे कि हम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को V से, इसे C से, और इसे E से रिप्रेजेंट करते हैं, तो लोन पेयर कितनी हो जाएंगी हमारी, लोन पेयर हो जाएंगी हमारी V-C-E/2, V8-6/0/2,
टू बाई टू तो हो गई वन। ओके, मतलब यहां पे अगर आप देखो तो सिग्मा बॉन्ड है थ्री, लोन पेयर है वन। ओके, सिग्मा बॉन्ड है थ्री, लोन पेयर है वन, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल जो यूज होंगी वो क्या हो जाएगी, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हो जाएंगी 3 + 1 = 4। ओके, टोटल कितनी हो गई, 4, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन हमारा यहाँ पे हो जाएगा sp3। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो उसका शेप क्या आएगा, सॉरी स्ट्रक्चर क्या होगा, टेट्राहाइड्रल। लेकिन उसमें से एक तो क्या है, लोन पेयर है, लोन पेयर है तो शेप क्या हो जाएगा आपका, पिरामिडल। ओके, एमोनिया के जैसे हो जाएगा, पिरामिडल। ओके, तो उसका शेप हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये ज़ेनोन। ओके, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे हो जाएगी एक लोन पेयर। आई बात समझ में? यहाँ पे खास याद रखना, नंबर ऑफ कंज्यूम्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे काउंट होंगे, सिग्मा बॉन्ड प्लस जितने सिग्मा बॉन्ड होंगे उतने पाई होंगे, क्योंकि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की वैलेंसी दो होती है, मतलब वो डबल बॉन्ड फॉर्म करता है, तो एक सिग्मा होगा एक पाई होगा। ओके, सो यू विल गेट अ स्ट्रक्चर लाइक दिस। ये अगर आप ज्वाइंट करोगे तो यू विल गेट लाइक अ पिरामिड। ओके, ये जो है उसे आप ज्वाइंट करते हो देन यू विल गेट लाइक अ पिरामिड। तो ये पिरामिड हो गया आपका। नाउ उसी तरह से हम XeO4 के लिए भी फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, दूसरी बात करते हैं हम XeO4 के बारे में। ओके, चलो XeO4 है तो उसके बारे में, उसका हमें क्या करना है, सेम सारी चीजें फाइंड आउट करनी है। पहले लिखने हैं हमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, वो कैसे, तो सराउंडिंग एटम 4 है तो यहाँ पे 4 हो जाएंगे। फिर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, जो हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हो जाएंगे 8। आफ्टर दैट नंबर ऑफ कंज्यूम्ड इलेक्ट्रॉन वो कैसे होंगे, तो यहाँ पे जितने हमने बात की आगे ही कि जितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड होंगे उतने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड भी होंगे, क्योंकि ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन कंज्यूम होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम्ड होंगे। चार्ज यहाँ पे कोई नहीं है तो चार्ज ई हो जाएगा 0, कंज्यूम इलेक्ट्रॉन सी। नाउ लोन पेयर इज इक्वल टू वी माइनस सी माइनस ई बाई टू, वी कितना होगा तो 8, सी कितना है 8 माइनस 0 बाई टू, 8 माइनस 8 तो 0, 0 बाई टू इज इक्वल टू 0। मीन्स यहाँ पे जो है वो हमारे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 4 है और नंबर ऑफ लोन पेयर 0 है। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितनी हो जाएंगी, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 4 + 0 = 4। ओके, 4 + 0 = 4। अगर 4 आई तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3 के लिए स्ट्रक्चर क्या होता है, तो स्ट्रक्चर हो जाएगा हमारा टेट्राहेड्रल। ओके, चलो अब यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है टेट्राहाइड्रल है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 है, मतलब जो स्ट्रक्चर है वही शेप आएगा, तो शेप भी आएगा टेट्राहाइड्रल। ओके, शेप भी क्या हो जाएगा, टेट्राहाइड्रल, बिकॉज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 है। ओके, तो आप कैसे उसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये ज़ेनोन, ये डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ। ओके, तो ये क्या फॉर्म करेगा, टेट्राहाइड्रल जैसा फॉर्म करेगा, यू कैन सी दैट। यहाँ पे ये आप सारे को छोड़ लो एंड ये, ओके, तो ये टेट्रा, और इसे भी ज्वाइंट करोगे देन यू विल गेट लाइक अ टेट्राहाइड्रल शेप। ओके, तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ ज़ेनोन ऑक्साइड। तो यहाँ पे हमने ज़ेनोन ऑक्साइड की प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी एंड स्ट्रक्चर देख लिए। आपके जो इसका स्ट्रक्चर है और XeO3 की प्रिपरेशन है वो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सो डोंट फॉरगेट अबाउट दिस। होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द ज़ेनोन ऑक्साइड। इफ यू हैविंग एनी क्वेरी देन
drop a message in a comment box. And thank you for watching for this video. If you like the video, don't forget to press the like button and subscribe my channel. Thank you.